हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। नमस्कार, आज स्वेन टुडे आ पहुंचा है कनॉट प्लेस में, यानी कि सीपी में, जो कि दिल्ली का सेंटर है एकदम। और आज यहां पर हो रहा है बहुत ही खास और अनोखा प्रोग्राम। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है इसका, ऑल वुमेन पावर रैली का। और इसका स्लोगन है हमसे है हौसला, ना सिर्फ अर्बन जो वुमेंस हैं उनके लिए, बल्कि आप देख सकते हैं कि हर तरीके की वुमेन यहाँ पर आई हुई है, हर तरीके की जो महिला है वो यहाँ पर आई हुई है। वो सूट पहन कर आई हुई हैं, वो जैकेट्स पहन कर आई हुई हैं, हर तरीके के वेश में हैं, हर तरीके की हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आजकल जो हम मॉडर्न लड़कियाँ हैं या जो नए ज़माने की लड़कियाँ हैं सिर्फ वही यहाँ पर हैं, नहीं, यहाँ पर हर तरीके की औरत आई हुई है। और ये दिखा रही है कि वुमेंस की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ अ रैली विच इज़ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सारी वुमेंस इकट्ठी होती हैं, इट्स फॉर द सपोर्ट एंड मोटिवेशन एंड द स्ट्रॉन्ग स्टैंड विच वुमेंस टेक एंड ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स की एवरी वुमेन कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर शी वांट्स एंड वन शुड डू इट। यहाँ पे हम लोग बाइक रैली के लिए आए हैं और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, खास करके हमारी भूमिका मैम के साथ जो स्टार्टिंग से हैं। सो इतने सारे मेडल्स हैं तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ आना। हेलो मैम, आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस पहनी हुई है, तो क्या थीम है ये, क्या क्या प्लान कर रहे हैं? बेसिकली हम अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये थोड़ा दुल्हन का पोज देने की कोशिश की है। और हम यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हैं और शहीदों को नमन करने के लिए आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम अपने सैनिकों के हमेशा साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। मैम, ये जो आपने ड्रेस कोड बनाया, ये क्या सोच के बनाया, मतलब क्या फ्यूजन था ये? मैम, हम झांसी की रानी की तरह, जैसे झांसी की रानी ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ऐसे ही हम अपने देश को नहीं देंगे, हम अपने कश्मीर को नहीं देंगे। हाय, माय नेम इज़ भारती और मेरा सेकंड टाइम है वुमेन बाइक पावर रैली में। मेरा ये इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है कि मैं इसको कभी मिस नहीं करना चाहती। और इतनी सारी वुमेंस को देख के, बुलेट पे, स्कूटी पे, बाइक के देख के इतनी मोटिवेशन मिलती है कि अभी मेरे को स्कूटी छोड़ के बुलेट चलानी है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं और ये मेरा फोर्थ रैली है। ओके, और मैं इस आज के दिन का मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार करती हूँ कि साल में एक दिन मेरा हो। एक दिन नहीं, आपका हर दिन, हर दिन होता है, लेकिन आज का दिन कुछ अपना पावर दिखाने का होता है। मैम, आप ये इतनी सुंदर ड्रेसेस में आई हैं, तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? हम रानी लक्ष्मी बाई को रिप्रेजेंट करने आए हैं। आज हमारी आर्मी में हर जगह नारी है, लेकिन बरसों पहले भी आर्मी की डोर नारी ने ही संभाली थी। हम शो करना चाहते हैं नारी पहले भी सबल थी और आज भी सबल है। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट को दिखा रही हैं? यस, वुमेन एम्पावरमेंट। आप सब भी बाइक चला रही हैं? हम सब चलाते हैं। तो जहाँ मैं बात कर रही थी सिर्फ अर्बन वुमेंस की, या फिर जो हमारे घरेलू वुमेंस होती हैं, होम मेकर्स होती हैं हमारी, उनकी बात कर रही थी, लेकिन अब हमारे साथ दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी लड़कियाँ भी हैं, तो आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अनुष्का। ओके अनुष्का, तो आप यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ पे रेस, वो रैली निकलने वाली है, मैं उसे देखने के लिए आई हूँ। और सनी देओल आने वाले हैं, उन्हें देखने के लिए आए हैं। सनी देओल के लिए आए हो? जोश, इसे कहते हैं जज्बा कि हमारा फ्लैग ऑफ हुआ। आदमी उठता नहीं, सही कहा, उठ जाता है। Again, okay. Then go and have a nice warm cup of tea. Ah, that's sit it. By the fire. All right, that's really nice. We wish you all the very best. आपने यहाँ आकर चार चांद लगाए हैं, इन सभी लड़कियों का हौसला अफजाई किया है, and they're really motivated. हम लोग CSF से हैं, हम लोग आज हमारा CSF डे भी है, हम लोग यहाँ पर वुमेंस डे पे बाइक रैली पे आए हैं। अब वी आर सो हैप्पी फॉर इट। ये हौसलों की उड़ान है, लेडीज़ आगे जाएंगी सबसे, और क्या है। थैंक यू। अच्छा लग रहा है हमें वुमेंस के लिए पार्टिसिपेट करके, वुमेंस इंटीग्रिटी और उनकी एकता और साथ में उसकी जो तरक्की हो रही है उसके लिए पार्टिसिपेट करना। और हम लोग सारे के सारे CSF से हैं, एयरपोर्ट से आए हुए हैं। तो जहाँ पे जो वुमेंस की रैली हो रही है, तो उसमें आप किस तरीके से पार्ट लेने आए हैं? बस मैं एक हेल्प करने के लिए आया हूँ अपने डिपार्टमेंट का, आज इतना बड़ा। कौन सा डिपार्टमेंट? CISF का। बड़ा अच्छा लगा रही है, बड़ा अच्छा इनका वो है, हम तो बड़े खुश हैं इस बात में कि कम से कम इनमें महिलाओं में इतनी हिम्मतें आ रही हैं कि अपनी अकेले लेकर गाड़ियाँ चला रही हैं आज। हम इस बार शहीदों की वाइफ को सैल्यूट करने के लिए ये सब हमने पहना है, वाइट ड्रेस। लास्ट ईयर ही मैंने ज्वाइन किया था इसको, तो मैं स्कूटी लेकर आई थी, तो मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा कि वो बाइक लेकर आई, तो मैंने लास्ट ईयर ही सोच लिया था कि मैं इस साल में बाइक लेकर आऊँगी नेक्स्ट ईयर, इसलिए मैंने एक हफ्ता पहले ही अभी बाइक सीखी और मैं इस बार बाइक लेकर आई हूँ।
एग्जैक्टली वी आर सो एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट एंड टुडे इज द बेस्ट डे. लास्ट टाइम लाइसेंस नहीं था, अब मैं पिलियन बन के आई थी. अब जैसे नेक्स्ट टाइम ये आएंगी ये चलाएंगी मैं पीछे आऊँगी, तो ऐसे है. मतलब अभी कुछ फर्स्ट टाइम है हमारा कि हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है. एक्चुअली लास्ट टाइम हमने रजपथ पे बाइक शो किया था, आपने देखी होंगी, तो उनके बेसिस पे उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे. तो लास्ट 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेंस डे, वहाँ पे भी हम गए थे. तो वहाँ पे भी अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे इंडिया में भी लड़कियों के लिए बहुत चीज़ें अपग्रेड हो रहा है, तो महिला आगे आ रही है, तो इस तरह से आना चाहिए. सच इवेंट्स इस आई थिंक कंपल्सरी कि ऐसे इवेंट्स होना चाहिए इंटरनेशनल वुमेंस डे के टाइम पे, या ऐसे रैली वगैरह होना चाहिए स्पेशली फॉर वुमेंस, ताकि हमारे सारे वुमेंस आगे आए. जो भी गांव-गांव में हैं उनको भी पता चले कि हम भी बाइक चला सके, हम भी घूम सकते बाइक पे. बस ऐसे ही लेडीज को कि आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए सभी को. ऐसे घर में रह के कुछ नहीं हो सकता, आगे जाओगे तभी कुछ बनोगे और तभी कुछ करोगे. यहाँ हमें दिल्ली पुलिस की महिलाएं भी दिख रही हैं, जो कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा सिंबल है. तो आइए इनसे बात करते हैं. सिक्योरिटी दे रहे हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं जी. बच्चे हमारे देखो आजकल क्या कर रहे हैं, और अपनी दिल्ली पुलिस की तरफ से हम मोटरसाइकिल चलाएंगे, बाइक चलाएंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन दिख रही है मुझे, जो कि एकदम जो हमारे जवानों की यूनिफॉर्म होती है उसी में आई हुई है. तो उनसे बात करते हैं. मैं थीम हमें सुनने में आया था कि थीम है, बट हमें लगा कि हमें आज अपने पावर के लिए, तो हमारे अपने जवान जैसे हमारे जवान है, हमें भी क्यों ना वैसे स्ट्रॉन्ग बन के और एक बोल्ड लेडी बनने के लिए, तो यही यूनिफॉर्म हमें सबसे बेस्ट लगी, तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम यही पहन के चले. उसका रैली का थीम भी यही था कि पावर रैली, तो इस वजह से हम यही ड्रेस पहन के आए हैं कि इससे स्ट्रॉन्ग और कुछ हो ही नहीं सकता. तो जहाँ हमने बहुत सारी महिलाओं से बात करी, वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो माँ बाप हैं वो भी अपनी बेटियों को लेकर आए हैं यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. तो आइए उनसे बात करते हैं. सर आपका नाम? अशोक गर्ग. सर और आप? शिवानी गर्ग. तो सर आप लोग यहाँ पर जो आए हैं सपोर्ट करने, तो किस तरीके से आप? हम अपनी बेटी को लेकर आए हैं बाइक रैली के लिए. इनका बहुत मन था, कई साल से सोच रहे थे, तो इस साल मौका मिला तो हम आए. और हमारा बहुत साल से मन था कि हमें आना है वीमेंस रैली में, और आज हमें ये मौका मिला. हमने फटाफट अपनी नई बाइक ली और लेके हम आज हम आ गए. बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे बाइक चलाने के लिए आज, बिकॉज हम काफ़ी टाइम से इस मोमेंट डेट सेट कि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि हम बाइक रैली के लिए आए, एंड इस बार हमने स्पेशली हेलमेट वगैरह लेके हम सब कुछ आए हैं बाइक रैली के लिए. कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी पूरी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है. मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मेरे को सब सपोर्ट करने आए हैं. मेरे मम्मी पापा ताऊ जी सब मेरे साथ आए हैं सुबह सुबह उठ के. आप यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर आए? हाँ, पूरी फैमिली, फ्रेंड सर्कल, पूरे ग्रुप आए हैं एंजॉय करने, देखने. तो कोई इनमें से कोई पार्टिसिपेट भी कर रहा है? अच्छा, सिर्फ आपने सपोर्ट करने आए हैं? हाँ, सपोर्ट करने के लिए आए हैं. बहुत अच्छा लगेगा उन्हें बाइक चलाते हुए देखी, खुद को भी प्राउड फील होगा. तो फिर आप कुछ साल बाद ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे? यस, अगले साल. तो सर किस तरीके से तैयारी की गई है, किस तरीके से सिक्योरिटी देखी जा रही है और ट्रैफिक? इनर सर्कल के ऊपर जो भी तैयारियां हैं, कोई भी किसी किस्म की कोई भी इंसिडेंट ना होने पाए, उसके लिए चारों तरफ से जो है ना इसको अंजाम लगाए गए हैं.